हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन ओमेगा रूबी वर्जन। जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने चैलेंज कर दिया था द लास्ट मेंबर ऑफ दिस एलिट फोर ऑफ द यूनोवा रीजन ड्रेक को। तो जी हाँ गाइस, यहाँ से मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ टू चैलेंज द चैंपियन। बट यार मेरी टीम में तो अपना मैनेट यानी कि बोल्ट अब तक सोया हुआ है। यार बोल्ट सुबह हो गया, मतलब यार दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड अभी भी सो रहा है ये बोल्ट। यार मैं सब बोल्ट को जो है वो लास्ट टाइम वैसे स्लीप और सो गया था ना, अब तक सो ही रहा था। यहाँ पे कल से अब तक 3 बज चुके हैं एंड अभी भी सो रहा है। तो अभी गाइस यार मैंने उसको उठा दिया है फुल हील देकर। हाँ तो आज ना मैं गाइस यार अपने जाने वाला हूँ अपने इस बैटल के लिए विथ आर बोल्ट। जी हाँ गाइड्स, क्योंकि यार बोल्ट के साथ ही जाने वाला हूँ। बोल्ट अभी चुस्त अपना मस्त सो के उठा है ना, इस वजह से गाइड अभी फ्रेश हो गया रहेगा, तो हम उसी के साथ इस बैटल में जाने वाले हैं। जी हाँ गाइड्स, यो सो इस बार गाइड सर हमें रुकना नहीं है गेट खोलने तक, क्योंकि गाइड सर ये गेट जो है वो हम चल रहे हैं वैसे ही गाइड सर ये खुल चुका है। एंड दैट्स इट गाइड सर, यहाँ पर स्टीवन जो है वो चैंपियन है इस होइन रीजन का। ओके हाय स्टीवन, वेलकम थ्रू। मैं होप ही कर रहा था कि तुम यहाँ पे एक दिन जरूर आओगे। मुझे बताओ तो तुमने अपने जर्नी में अपने पोकेमोन के साथ क्या क्या देखा, तुमने क्या महसूस किया, तुमने और दूसरे ट्रेनर्स के साथ क्या क्या देखा ट्रैवलिंग एक रिच आइलैंड इस होइन रीजन में। क्या तुमने अपने अंदर इनसाइड ओपन किया? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आकर बताओ कि तुमने क्या क्या सीखा है। मेरे पोकेमोन और मैं रिस्पॉन्ड करेंगे उस टर्न को और वो सब जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो हियर वी गो गाइस, यार ध्रुवी गेमा वर्सेस दी होइन रीजन्स चैंपियन पोकेमोन लीग चैंपियन स्टीवन। तो जी हाँ गाइज यार, उसके पास टोटल 6 पोकेमोन है हमारे साथ कम्पीट करने के लिए। हमारे पास भी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी है हमारी 6 पोकेमोन की। तो उसने शुरुआत की है गाइज स्कारमरी के साथ। ओके सो मैं जाने वाला हूँ गाइज यहाँ पे मेगा पावर के साथ, जो कि है यहाँ पे हम जाएंगे गाइज यहाँ से सीधा थंडर, क्योंकि यार 2 दिन से थंडर ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है। सो आई होप कि आज भी गाइज ये थंडर हमारा पूरी के पूरे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा साथ दे दे। चेक करते हैं गाइस यहाँ पर अभी थंडर देके। ओके इंटिमिडेट ऑल राइट, तो थंडर दे दिया है। शेट यार इसने अवॉइड कर दिया अटैक, बट कोई बात नहीं यार मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे डिस्चार्ज के साथ, क्योंकि अभी मुझे कोई भी चांस नहीं लेना है। शायद थंडर इस बार हमारा चांस यहाँ पर दे नहीं पाया। ओके स्टर्डी, शेट यार स्टर्डी एबिलिटी आ गई यहाँ पे दोस्तों स्कारमरी के पास, बट यार उसने एक गलत काम कर दिया है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर ना उसने स्पाइक्स यहाँ पे डाल दिए हैं यहाँ पर हमारे पोकेमोन के ऑब्स्टेकल्स में। तो इससे हो गया क्या गाइस यार, यहाँ पर शायद 10% एचपी यहाँ पर हमारे पोकेमोन की यहाँ पे डाउट ड्रॉप आउट होगी अगर देखा जाए तो। तो चलो यार यहाँ पर अभी मैं जाता हूँ चुपचाप से यहाँ पे डिस्चार्ज। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे लगा कि यार वो फुल शो के लिए जाएगा, बट दूसरे फुल शो के साथ गया नहीं वो। तो चलो यार हमने फाइनली यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पोकेमोन को तो यहाँ पर उसके डाउन कर दिया है। देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन है। ओ एगरॉन, तो आइगरों के खिलाफ में यहाँ पर मैं लेकर आना चाहूंगा अपने इरप्ट को। जी हाँ गाइज इरप्ट को लेकर आ जाते हैं यहाँ पे अपने अगेंस्ट दी आइगरॉन। तो आइगरॉन के खिलाफ यहाँ पर अपना इरप्ट के साथ जा रहे हैं हम दी इरप्शन। जी हाँ गाइज मैंने ये इस्तेमाल किया नहीं है इस मूव का, बट आज मैं कर रहा हूँ इस मूव का इस्तेमाल इरप्शन। ओहो यार सबके पास स्टर्डी है क्या? अरे कमाल करते हो यार, स्टर्डी यार सबके पास टर्न ड्राइव एबिलिटी है। तो चुपचाप से अभी मैं लावा प्लम के साथ ही जाने वाला हूँ, क्योंकि यार ऑलमोस्ट यहाँ पे इरप्ट जो है वो डाउन होने वाला है गाइज अगर देखा जाए तो। तो बट फाइनल यार इसने यहाँ पे आइगरॉन को भी डाउन कर दिया है। तो 2 पोकेमोन उसके जा चुके हैं, बट यार उसने भी गाइज हमारे लिए काफी ज्यादा जो है वो डैमेज पहुंचा दिया है। तो इस बार मैं गाइज यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ हाइड्रोकिंग अगेंस्ट दी क्लेडॉल, क्योंकि यार हाइड्रोकिंग की वीकनेस मतलब कि क्लेडॉल की, माफ करना मुझे, तो क्लेडॉल की जो वीकनेस है यहाँ पे दोस्तों डार्क एंड दी वाटर टाइप। तो यार दोनों टाइप एबिलिटी है यहाँ पर हमारे हाइड्रोकिंग के पास। तो इस बार ओके रिफ्लेक्ट, ओके तो यार इसका डिफेंस बढ़ चुका है, बट कोई बात नहीं यार मैं जाने वाला हूँ सीधा यहाँ से सर्फ के साथ। देखते हैं अभी कितना डैमेज पहुँचता है। एंड दैट्स इट,
तो टोटल हमने यार इसके 3 पोकेमोन ऑलरेडी डाउन कर दिए हैं एंड अभी तो बस आधा ही टाइम हमारा टाइम जा चुका है। सो आई गो क्रेडली शिट यार, मुझे चेंज करना था पोकेमोन बट मैंने गलती से यार ओके सो अभी शायद मुझे आइस फैंग के साथ ही जाना चाहिए। ओके कुछ भी यहाँ पर अर्ट हुआ नहीं है बट उसने कंफ्यूज कर दिया है हमारे दोस्तों हाइड्रो किंग को। तो अभी ना मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं जाता हूँ यहाँ पे दोस्तों क्रंच के साथ, देखते हैं यहाँ पे क्रंच कितना भी इफेक्टिव होता है क्योंकि ये साइकिक टाइप एबिलिटी है शायद क्रेडिली के पास। वो एंशिएंट पावर यार काफी ज्यादा हिट करा तो अभी चुपचाप से मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के साथ। बट नहीं यार कन्फ्यूज यहाँ पे कर दिया है तो हाइड्रो किंग को यहाँ पे अपनी ही यहाँ पर मार लग रही है। ओके सो आई गेस कि यहाँ पे ज़्यादा मूव इस्तेमाल करने के कुछ मतलब तो बनता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना गाइज, यहाँ पर ना मैं हीलिंग करा देता हूँ अपने इरप्ट की। तो जी हाँ गाइज 39 फुल रिस्टोर ऐसे ही थोड़े ना मैंने रखे हैं, ये यहाँ पे हीलिंग करने के लिए तो रखे हैं ना, अभी ये मेन बैटल के लिए। अभी इनका अगर आज इस्तेमाल ना करूँ तो आई गेस कि आगे चलकर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा इनका, क्योंकि फिर से तो मैं चैलेंज नहीं करने वाला हूँ। अभी जाते हैं गाइज, अभी इरप्ट को लेकर आ जाता हूँ मैं, देखते हैं यार यहाँ पे क्विक क्लॉ और यहाँ पे वर्क होता है या नहीं। लावा प्लेन के साथ ही जाता हूँ मैं बट चलो यार क्विक क्लॉ जाए भाड़ में यहाँ पर फिर भी यार इसने हो काफ़ी ज़्यादा पावर है यहाँ पे दोस्तों। बट इस बार ना मैं इरप्शन के जाकर साथ जाकर देखता हूँ गाइज यार, अगर वर्क करा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। जी हाँ वर्क करा है गाइज यहाँ पर इरप्शन एंड यस क्रेडिली भी यहाँ पे दोस्तों डाउन हो चुका है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होता है उसका, अर्माल्डो। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसको गाइज हम हरा पाए तो आई गेस कि आगे आने वाला बैटल हमारे लिए काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि यार बस एक ही पोकेमोन बच जाएंगे इसके, क्योंकि यार अभी अगर इसको हमें हराना होगा पहले, क्योंकि यार वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है यहाँ पे उस स्टीवन का, एक फॉसल टाइप पोकेमोन है। तो चलो रिडक्शन देकर ओके बर्न तो कर दिया है हमने बट यार बर्न इट इज द नॉट इनफ फॉर अस। तो यहाँ से अभी मैं ना क्या करता हूँ एक और इरप्शन के साथ जाकर देखते हैं गाइस अभी कितना टाइम लगता है इसे हराने के लिए। शिट यार इरप्शन कुछ भी नहीं हुआ, शायद लावा प्लम के साथ ही जाना चाहिए था यार। शे चलो गाइस यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस एक ही पोकेमोन, दो ही पोकेमोन हमारे डाउन हुए बट अभी भी यार 4 पोकेमोन की हमारे पास आर्मी बची हुई है। बट मुझे लगता है गाइस यहाँ पर यह भी फुल स्टे के साथ जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ ना गाइस अपने पफ को बुला लेते हैं एंड जाते हैं गाइस यहाँ पर एक डिसआर्मिंग वॉइस के साथ। यस मुझे लगा ही था यार ये पूरा का पूरा यहाँ पर हीलिंग करने ही वाला है, क्योंकि यार इसके पास टोटल 2 या 3 फुल रिस्टोर्स हैं यहाँ पर चैंपियन के पास, जितने मेरे रिसोर्सेस कहते हैं मुझे। तो यार उन सभी को मुझे यहाँ पे ओके फ्लाई का इस्तेमाल कर देखते हैं, क्योंकि यार बग टाइप एबिलिटी भी है यहाँ पे दोस्तों अर्माल्डो के पास। ओके सो यार उसका कुछ भी इस्तेमाल हुआ नहीं यहाँ पे, तो क्या करेगा इधर यहाँ पर अभी हाफ ऑफ द एचपी यार हमारे पफ की भी डाउन हो चुकी है। तो इस बार ना मैं जाता हूँ गाइजर यहाँ पे ड्रैगन पल्स के साथ, देखते हैं यार ड्रैगन पल्स कैसे वर्क होता है। ओहो शायद मुझे पहले यार इसका इस्तेमाल करना चाहिए था बट क्योंकि यार पफ डाउन हो चुका है तो यार 3 पोकेमोन हमारे में डाउन हो चुके हैं। ये बैटल थोड़ा सा जो है वो लेवल का कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, बट यहाँ पर मैं अभी लेकर आ जाता हूँ अपने एंजल को एंड दे देते हैं एक ओके क्या उसके पास बैटल आर्मर है क्या। चलो यार कोई बात नहीं, उसका बैटल आर्मर अभी वर्क नहीं करने वाला है क्योंकि यार मैं जाने वाला हूँ सीधा यहाँ से साइकिक के साथ एंड इस अर्माल्डो को भी गाइज़र हम डाउन करने वाले हैं। सो जी हाँ गाइज यार फाइनली हमने अर्माल्डो को भी गाइज़र डाउन कर दिया है। शिट मुझे लगा कि अर्माल्डो उसका मेन पोकेमॉन रहेगा बट नहीं यार मेटाग्रॉस इज मेन पोकेमॉन ऑफ द स्टीवन, क्योंकि यार मेगा मेटाग्रॉस अभी बन चुका है एंड आई गेस कि ये बैटल अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट बन चुका है हमारे लिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए मुझे कोई भी आइडिया नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। साइकिक के साथ चक्कर देख रहा हूँ मैं, ओके साइकिक तो दे दिया है, अच्छी बात है कि इतने अटैक्स अवॉइड कर रहा है यहाँ पे अपनी एंजल। तो जाता हूँ मैं एक और क्या करेगा यार थोड़ी सी हीलिंग के साथ जाते हैं यहाँ पे। रिवाइव मैक्स रिवाइव तो नहीं है मेरे पास बट रिवाइव दे देते हैं गाइजर यहाँ पर अपने हाइड्रो किंग को। जी हाँ गाइजर यार उसने इतने 2 फुल रिस्टोर इस्तेमाल कर दिए, हमने बस एक ही फुल रिस्टोर इस्तेमाल किया था। तो चलो यार यहाँ पर एंजल भी डाउन हो चुकी है, तो अभी मैं गाइजर अपने बोल्ट को लेकर आ जाते हैं। सो यार ये थोड़ा सा ना ट्रिकी यहाँ पर मैं मूव इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि यार मेगा यहाँ पर अपना बोल्ट है। सो आई गेस कि थंडर की पावर बढ़ जाए गाइज यार, एक रिस्की मूव है मेरे लिए
बट यस वो गिर चुका है एंड देखते हैं इसकी पावर कितनी जाती है। गाइस यार फाइनली फाइनली यार हमने जो है वो हरा दिया है स्टीवन को। काफी ज्यादा बेस्ट बैटल था यार ऑफ दिस ऑल रीजन। जी हाँ आयरिस के बाद अगर बोलूंगा कि ये मुझे मेरा अच्छा बैटल था इतने लंबे टाइम बाद, जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था। ध्रुव तुम एक एक्सीलेंट पोकेमॉन ट्रेनर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू। मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा इस दुनिया के बारे में पता चला है और जो तुम आइडल्स अपने पोकेमॉन के साथ लेके चलते हो वो भी मुझे पते चले हैं। एंड यस मैं फील कर पाया ये सारे के सारे आंसर्स को हमारे बैटल से, जो फीलिंग्स तुम और तुम्हारे पोकेमॉन। एंड बाय द वे पोकेमॉन जो इस बैटल में अपने रिस्पॉन्स दे रहे थे वो फीलिंग्स इस टुगेदर क्रिएटेड, उन्होंने एक ग्रेट पावर क्रिएट की है। ओके और इसी वजह से तुम जीत चुके हो। ओके कोई बात नहीं यार, मैं काफ़ी ज़्यादा थ्रिल ऑफ द एक्साइटमेंट में था जब मैं तुमसे पहली बार मिला। यस अब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं था, तुम राइटफुली द होइंस रीजन न्यू। मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ी सी एडवाइस है अगर तुम चैलेंज चैंपियन को चैलेंज कर रहे हो तो। सॉरी अब तुम लेट हो चुकी हो। मैं हाँ वेट क्या क्या थ्रू क्या तुमने ये खत्म हो गया? हाँ यस ओ प्रोफेसर पास आ चुके। ओह कहा था ना मैं तुम सब में ध्रुव तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ध्रुव यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ध्रुव तुमने फाइनली ये कंप्लीट कर ही दिया है। ओके जब मैंने सुना था कि तुमने अपने ओन फादर पटल बगजी में उन्हें हराया है आई थॉट तुम्हारे पास कोई चांस होगा, बट थिंक तुम एक एक्चुअल में एक नए चैंपियन हो। बट कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी आज की विक्ट्री के लिए, अब तुम यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकते हो। ध्रुव नहीं मैं तुम्हें अभी होइंस रीजन का न्यू पोकेमॉन लीग चैंपियन कहता हूँ, मेरे साथ आओ चैंपियन। मुझे माफ करना सॉरी, बट जो भी ट्रेनर्स यहाँ पे चैंपियन को हरा पाए हैं वही इस जगह से आगे जा सकते हैं। तुम्हें बाहर इंतजार करना होगा प्रोफेसर के साथ। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, ये ठीक है और इट्स फाइन, रूल्स आर रूल्स राइट ध्रुव, ऑनेस्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि यार रूल्स हैं यहाँ पे नहीं आ सकते, तो चलो यार सेव कर लिया है हमने गेम को। ये रूम यहाँ पे मेंटेन चाहते हैं रिकॉर्ड्स और पोकेमॉन के जिन्होंने अपना सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया और यस वो लीग चैंपियंस यहाँ पे ऑनर होते हैं। कम इस मशीन से तुम और तुम्हारे नाम और तुम्हारे पोकेमॉन के नाम यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट किया इस पोकेमॉन लीग में। तो जी हाँ गाइस सारे के सारे पोकेमॉन यहाँ पर हमारे रजिस्टर हो चुके हैं, 6 के 6 यार हमारी आर्मी जो 6th आर्मी थी हमारी जो यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है गाइस, जो कि है सबसे पहले यार हमारा बोल्ट आज का यार मैन ऑफ द मैच, नेक्स्ट अप है हमारा ब्लेड, 3rd one है हमारी एंजल, 4th one है हमारा हाइड्रो किंग, 5th one है हमारी पफ, 6th one है हमारा इरप्ट। तो जी हाँ गाइस हम बन चुके हैं द लीग पोकेमॉन लीग चैंपियन। तो जी हाँ गाइज यहाँ से जो है अपना होस्ट गेम जो है वो कल से आई गेस कि स्टार्ट हो जाएगा, बट गाइजर वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइजर यहाँ पर आप लोगों ने इस सीरीज में हमारा अब तक स्टार्ट यहाँ पर जो है वो सपोर्ट बनाए रखने के लिए, आगे भी गाइजर सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। एपिसोड यार मैं जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करूँगा कल, बट यार वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। कल से यार अपना पोस्ट गेम जो है वो शुरू हो जाएगा होपफुली, बट गाइजर मैं आपसे मिलता हूँ सीधा पोकेमॉन ओमेगा रूबी के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि पोस्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।